हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फोर्थ। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 9। आज हम लोग 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। पहले ही एक्सरसाइज आप लोगों को करवा दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हीरा अपनी उपयोगिता किस प्रकार बताता है, इसका आंसर देखिए। हीरा अपनी उपयोगिता निम्न प्रकार से प्रकट करता है। क्या कहता है, डैश करके लिखना है। मैं राजेश्वरों का शिरोमणि हूँ, देवताओं का मंजुल मुकुट सुशोभित करता हूँ, एवं सुंदरियों का आभूषण भी बनता हूँ। कंप्लीट हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, हीरा रंग रूप में कोयले से किस प्रकार अपनी तुलना करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हीरा कहता है कि मुझ में और गुण न भी हो तो मेरा यह रूप ही मेरी बड़ाई के लिए बहुत है। मैं जहाँ रहता हूँ सूरज की भांति चमकता रहता हूँ, रंग बिरंगी किरणें मुझ में से निकलती हैं, देखने वालों की आंखें खुल जाती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, कोयला किसके लिए जलता है, ठीक है। आंसर देखिए, कोयला हमेशा दूसरों के लिए जलता है, ठीक है। आंसर क्लियर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, कोयला हीरे को क्या दोष देता है, ठीक है। आंसर देखिए, कोयला द्वारा हीरे को दोष दिया जाता है कि मैं अपने कारण दूसरों को तो नहीं जलाता, मैं स्वयं जलकर गरीबों की भी जरूरतें पूरी करता हूँ। मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तेरे दिन अब पूरे हो चले। नेक्स्ट देखिए आगे इसका आंसर, शीघ्र ही वह दिन आने वाला है जब तेरी पूंछ संसार में नहीं रहे, यानी तुझे कोई पूछने वाला इस संसार में नहीं रह जाएगा, ठीक है। तेरी पूंछ संसार में नहीं रह जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद देखिए, आंसर क्लियर हो गया, इतना आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए, कोयला द्वारा सच्चे आभूषण शब्दों का प्रयोग किनके लिए किया गया है, ठीक है। आंसर देखिए, कोयला द्वारा सच्चे आभूषण शब्दों का प्रयोग मनुष्यता के लिए किया गया है, ठीक है। फिर से देखिए, कोयला द्वारा सच्चे आभूषण शब्दों का प्रयोग मनुष्यता के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, हीरे द्वारा स्वयं को राजकोषों में पहरे के बीच रखे जाना कहने पर कोयले ने क्या व्यंग किया। क्वेश्चन समझ में आ गया। हीरे द्वारा स्वयं को राजकोषों में पहरे के बीच रखे जाना कहने पर कोयले ने क्या व्यंग किया। आंसर देखिए, कोयले ने व्यंग किया कि नित्य बंदी बनकर सौ सौ ताले में बंद होकर सोने की कांटेदार बेड़ियों में जकड़ा जाकर तू अपने को बड़ा समझ, ठीक है। कोयला कहता है, तू भले ही अपने को बड़ा समझ, मैं तो स्वतंत्रता पूर्वक दर दर घूमना ही जीवन का आनंद समझता हूँ। क्लियर हो गया। फिर से इसके भाव को समझिए, ठीक है। कोयले ने व्यंग किया कि तू, यानी हीरे को जो तालों के अंदर जकड़ कर रखा जाता है, सौ सौ बेड़ियाँ लगाई जाती हैं, तो इतने मर तू भले ही अपने को बड़ा समझ ले, किंतु मैं जो खुले में पड़ा रहता हूँ, स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ, उसी में मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा आनंद समझता हूँ। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आंसर कॉपी पर राइट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम के लिए लर्न कर लीजिए, कॉपी पे राइट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।